हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आज कैसे सॉल्व करेंगे। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इंटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड इज ड्रोन इंटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए हम लोग का एक राइट सर्कुलर कोन है हम लोग का, जिसका क्या है हाइट कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है 20 सेंटीमीटर दिया है। अब उसको क्या कह रहा है, और जो वर्टिकल एंगल है ना, वर्टिकल एंगल हम लोग कितना है 60 डिग्री है। और आगे क्या कह रहा है, हम लोग ने जो सर्कुलर कोन था इसको क्या किया है, मिडिल से काट दिया है। हम लोग को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मिडिल से क्या किया, इसको इंटू टू पार्ट में क्या कर दिया है, काट दिया, टू पार्ट में इसको क्या कर दिया, कट कर दिया है। और दोनों क्या है, मिडिल में काटे है। तो देखिए ये 20 है ना, ये क्या है पूरा हाइट कितना 20, मिडिल से हम लोग ने इसको बीचों बीच क्या कर दिया, काट दिया है इस कोन को। तो दोनों क्या होगा, यहाँ से लेके उसका ऊपर पार्ट में भी 10 सेंटीमीटर होगा, नीचे पार्ट भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये टोटल हाइट था 20 सेंटीमीटर। हम लोग इसका बीच भी क्या मिडिल में काट दिया है, तो क्या होगा ऊपर का पार्ट भी 10 सेंटीमीटर, नीचे का भी पार्ट भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे का क्या बचा, बस फ्रस्टम बचा ना, अगर इसको हटा दे ऊपर वाला को पार्ट को हटा दे तो क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर इस फ्रस्टम को हम लोग क्या करें, बदल दे किस में, एक वायर में जिसका डायमीटर कितना 1/16 सेंटीमीटर हो, तो हम लोग को उस वायर का लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को रेडियस चाहिए, क्योंकि हम लोग को रेडियस नहीं पता। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। हम लोग वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो वायर बन रहा है वो किसका है, हम लोग का, इस फ्रस्टम का ही बनेगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग का आर का क्या पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, और हमारे पास आर नहीं है। तो चलिए देखते हैं आर कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग ने इसका नेमिंग कर दिया है इस कोन का। अब देखिए यहाँ पे ए जी एफ, यहाँ पे देखिए ए जी एफ, ए जी और ई है, सॉरी एफ ने ई है। अब देखिए यहाँ पे क्या करे, ये एंगल ए को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा और ये वाला भी होगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए 60 था और ये क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, तो इधर वाला पार्ट 30 हो जाएगा, और इधर जो एंगल बन रहा है वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझिए, हम लोग का एंगल कितना था 60 डिग्री था, और ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अब देखिए हम लोग के इस ट्रायंगल में, देखिए ए जी ई में, इस ट्रायंगल में देखिए क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का, और ये हम लोग कितना हो जाएगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, पी बाय बी, क्या हो जाएगा पी बाय बी, जहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ई जी, और बेस क्या हो जाएगा ए जी। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे, और क्योंकि हम लोग को ई जी मिल जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग को ई जी निकालना है, और इस फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ए डी बी में, इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बी डी, तो हम लोग क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए जी ई, ए जी ई में देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, पी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल से ना देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और एंगल के सामने वाला, ये एंगल को ले रहे, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा ई जी हम लोग का, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ई जी, और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला ना, बेस कितना हो जाएगा ए जी, ए जी। देखिए थीटा कितना दिया है, थीटा हम लोग को दिया है 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए ई जी, ई जी हम लोग को नहीं पता, ए जी, ए जी हम लोग क्या हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 10 ना, 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ई जी अपॉन में 10, 10 को इक्वल टू उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 10/√3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू ई जी, ई जी आ गया, ई जी क्या हो गया, आ गया हम लोग का, यही क्या रेडियस है, अपर रेडियस, ये हम लोग क्या ई। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में, अब देखिए इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग देखेंगे 10
थीटा इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का देखिए इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। ये एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हम लोग का BD और बेस क्या होगा बेस AD। अब देखिए थीटा कितना दिया है 30 डिग्री इक्वल टू BD हम लोग का कितना हो जाएगा, BD हम लोग का नहीं गिवेन है। अब यहाँ से देखिए AD हम लोग का पूरा कितना हाइट है इसका 20, क्वेश्चन में भी गिवेन है ना पूरा हाइट कितना इस कोन का 20, तो यहाँ पे AD क्या हो जाएगा, AD क्या है इस कोन का हाइट तो 20। अब क्या करेंगे 10 30 का वैल्यू 1/√3 क्या हो जाएगा BD अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20/√3 इक्वल टू BD ये आ जाएगा, सेंटीमीटर लिख देते हैं। यही हम लोग क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा EG रेडियस, और ये हो जाएगा हम लोग का ये अपर पार्ट रेडियस हो जाएगा और EG, और नीचे का क्या हो जाएगा लोअर पार्ट हम लोग का BD ये वाला रेडियस हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपके लिए इस पेज में लिख दिया हम लोग का रेडियस ऑफ अपर पार्ट क्या हो जाएगा R1 10/√3। देखिए हम लोग का EG अपर पार्ट रेडियस हो जाएगा 10/√3 और लोअर पार्ट नीचे का कितना आ जाएगा BD, हम लोग का BD यही था कितना है 20/√3। तो रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2 हम लोग इसको कहते हैं, मान लेते हैं R2 हम लोग का 20/√3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ फ्रस्टम ये वाला 10 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 pi ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 pi h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2। 1/3 pi का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू h कितना हो जाएगा, h हम लोग का 10 है, h कितना है 10 है, R1 कितना है 10/√3 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 20/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे R1 इंटू R2 क्या है प्लस R1 इंटू R2, तो R1 कितना है 10/√3 कितना है 10/√3 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 20/√3 कितना 20/√3। चलिए मैं आपके लिए इस लाइन को नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो 1/3 क्या हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू एच कितना हो जाएगा 10, R1 कितना हो जाएगा 10/√3 प्लस 20/√3 प्लस देखिए R1 R2 कितना 10/√3 इंटू 20/√3। अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 20/√3 और 10/√3। चलिए देखते हैं इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर 100√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3। हम लोग जानते हैं √3 × √3 क्या होता है 3 और √3 का स्क्वायर 3। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे 220/21। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम हम लोग का 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 टाइम्स में जाएगा, 1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को तो 400 आ जाएगा प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। अब क्या हो जाएगा 220 अपॉन में क्या हो जाएगा 21। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों इन सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 700 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर देते 7 1 7 0 0 ये क्या हो जाएगा 7 3 21 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,000 और नीचे 9 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट हम लोग ये हम लोग का क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन था, देखिए हम लोग को डायमीटर ऑफ वायर
कितना था हम लोग का वायर कह रहा है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, वायर में ना, तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए 1/16 सेंटीमीटर, क्या होगा 1/16 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 1/16 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हम लोग का, रेडियस ऑफ वायर, यहाँ से रेडियस कैसे निकालेंगे देखिए, रेडियस ऑफ वायर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/16 इंटू 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा, 2 के नीचे कुछ है मतलब 1 ना, ऊपर चल जाएगा 1 और 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 को 1 आएगा और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब चलिए देखिए यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो वॉल्यूम होगा, हम लोग का जो वॉल्यूम होगा किसका, फ्रस्टम और वायर का, वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, हम लोग का जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा और वायर का वॉल्यूम होगा वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है ना इसका, इस वायर मतलब कि ये जो फ्रस्टम बनाए हम लोग, फ्रस्टम है हम लोग का, उसको हम लोग क्या में बदल देंगे, वायर में बदल देंगे ना, तो हम उसका डायमीटर कितना जो 1/16 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे लेंथ मान लेते हैं वायर का, लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे कर लेते हैं, लेंथ ऑफ वायर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, L सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितना है वो लेंथ कितना L, हम लोग ने मैंने क्या बताया दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वायर। हम लोग का देखिए जो हम लोग का इसमें जो हाइट होगा, एक वायर है ना, हम लोग इसको हाइट भी कहते हैं, मान लीजिए हम लोग का क्या है ये वायर है ना, मान लीजिए हम लोग का ये क्या है वायर, तो इसका ये हम लोग का क्या हो जाएगा एरिया हो जा रहा है, देखिए ये हम लोग का लेंथ भी होता है और इसको हम लोग कभी कभी हाइट भी कहते हैं, इसको अगर सीधा कर दें हम लोग का क्या हो जाएगा हाइट, इसको कभी कभी हम लोग हाइट भी कहते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, अगर आपको इस मेथड से नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर कर लेते ना, अगर आपको इस मेथड से नहीं बनाना तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर हम लोग का, देखिए अगर हम लोग ये हम लोग का क्या हो जाएगा एरिया, ये हम लोग का एरिया हो जाएगा, एरिया एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, तो हम लोग क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर मिल जाएगा, ये हम लोग का एरिया है और ये लेंथ है, अगर हम लोग एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को वायर का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब देखिए और हम लोग का ये क्या है जो वॉल्यूम ऑफ वायर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हम लोग का कितना आया है, यहाँ पे हम लोग ने लिख ही देता हूँ मैं, जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है वो किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वायर के ना, वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल है। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हम लोग का कितना आया है 22,000/9 इक्वल टू एरिया, एरिया हम लोग का क्या है देखिए एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर और एल, एल हम लोग एल को एल लिख देते हैं, देखिए अब आगे देखते हैं 22,000/9 इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हम लोग का आर कितना हम लोग का आर 1/32, तो 1/32 का स्क्वायर इंटू एल, अब क्या करेंगे देखिए 22,009 इन दोनों को इक्वल टू किधर भेज देंगे 7, वो क्या है डिवाइड में इक्वल टू किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 क्या मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू देखिए 1/1 का स्क्वायर 1 और 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 1024 इंटू एल, अब क्या करेंगे हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 22 और ये 30, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 7,000/9 इंटू क्या हो जाएगा इंटू में देखिए अब इसको इक्वल टू किधर भेजेंगे किस में डिवाइड में इक्वल टू किधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1024/1 में क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू एल, अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का आ जाएगा 7 1 6 8 0 0 0
और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू एल। अब यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7964444.44 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ हम लोग का। कितना आ जाएगा लेंथ आ जाएगा किसका वायर का लेंथ आ जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।